इस कड़ाके की ठंड में तो भाई दो ही चीज का सहारा होता है, एक तो रजाई और दूसरी लुगाई। पापा तो लगे हाथ मेरी भी शादी करा दो। तुझे अभी शादी करने की क्यों पड़ी है बे? देख नहीं रहे हो ठंड कितनी पड़ रही है? तो ठंड पड़ रही है तो शादी का क्या? आप ही ने तो कहा ना अभी कि ठंड में रजाई और लुगाई का ही सहारा होता है। हाँ तो? अरे तो क्या खाली अपना ही देखना है आपको? अपने बच्चों का भी तो सोचो। मुझे भी ठंड लग रही है तो मेरी भी शादी करा दो ना, मुझे भी ठंड में सहारा मिल जाएगा। आगे मैया शादी करेगा? चुपचाप सो जा, नहीं तो शादी के बाद जो हाल होता है वही हाल कर दूंगा तेरा। बड़ा आया शादी करने वाला, खुद का कोई ठिकाना नहीं है और चला है शादी करने। अरे मोरी मैया, मुझे क्यों मारा? अपना पैर संभाल कर नहीं रख सकते? कितने मुश्किल से घंटों रजाई में घुसकर मैंने अपना पैर गर्म किया था, उस पर अपना बस जैसा ठंडा पैर रखते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे थोड़ा मुझे भी अपना पैर गर्म कर लेने दो। खबरदार जो मेरे गर्म हुए पैर को अपने ठंडे पैर से टच किया, नहीं तो आज अपने पैर से हाथ धो बैठोगे। ठीक है अब नहीं टच करूंगा। हे भगवान, किस दुश्मन से पाला पड़ा है, चैन से सोने भी नहीं देते। अब क्या हुआ भाग्यवान, मैंने तो अपना पैर संभाल कर रखा हुआ है। अरे मोरी मैया, मेरे शरीर से रजाई हटा दिया ताकि मैं ठंड से मर जाऊं। अरे मैंने रजाई नहीं खींचा है, ये तो रजुआ की कारस्तानी है। नहीं मम्मी, देखो मैं कितने आराम से अच्छे बच्चे की तरह सो रहा हूँ। नहीं ये झूठ बोल रहा है। तुम चुप रहो, मैं सब समझती हूँ। अब अगर किसी ने रजाई खींचा तो किसी की खैर नहीं। अरे क्या हुआ चंपा रानी? छी जीजू, कितनी भयानक गंध आ रही है, लगता है नाक फट जाएगा। अरे बाप रे, ये तो सच में खतरनाक गंध आ रही है यार। जीजू कहीं आपकी पाद तो नहीं निकल गई? पापा की पाद तो मम्मी की आवाज सुनकर ही निकल जाती है। आगे मैया चुप कर, इसी नालायक ने पाद मारा होगा। नहीं नहीं मैंने नहीं पादा है। तो फिर ये गैस किसने छोड़ा है? मैं अभी पता लगाता हूँ। आधा पादा कौन पादा? मियाँ जी का बकरा पादा। पता चल गया पापा ने ही पादा था। अरे नहीं नहीं ये मुझे फंसा रहा है, मैंने नहीं पादा कसम से। नहीं नहीं आपने ही पादा है, आधा पादा करके जिसकी ओर उंगली लास्ट में रुकती है वही पदौरा होता है। हाँ आगे मैया चुप, सच सच बता किसने पादा, नहीं तो अभी बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी से नहला दूंगा तुझे। हैं? मेरी ही पाद निकल गई थी, छोटी सी मगर गलती से। देखा आखिर यही निकला ना मुजरिम, और तुम लोग शक मुझ पर कर रहे थे। ये बता तूने रजाई में क्यों पादा? वो पेट में कुछ हवा भर गई थी ना, तो इसीलिए उसे बाहर की हवा के हवाले कर दिया। अब अगर हवा निकाला तो आज तुम्हारी सारी हवा निकाल दूंगा। जीजू मुझे प्यास लगी है। कहो तो अभी बुझा दूं? हाँ मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दो ना। पानी? तुम पानी की बात कर रही थी? अरे मुझे तो कुछ और ही लगा। खैर इतनी ठंड में पानी पीकर क्या करोगी? आप ला दो ना, बाहर ठंड है, वरना मैं खुद ले आती। ये क्या कह रही हो, ठंड और तुम्हें लग रही है? मुझे ठंड क्यों नहीं लगेगी, मैं भी तो इंसान ही हूँ। अरे तुम तो इतनी हॉट हो, फिर तुम्हें ठंड कैसे लगेगी? तुम तो पानी में आग लगा दो, इतनी हॉट हो। आपसे कुछ होता तो है नहीं, बस इधर उधर की बातें करने लग जाते हो। लगता है आज प्यासे ही सोना पड़ेगा। मैं भी तो कब से प्यासे ही सो रहा हूँ। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। अच्छा मौसी हॉट है इसीलिए आप आँख सेकते रहते हो। मेरे पीठ पे
करता रहता है। रुको, अभी इनकी सारी भूत उतारती हूँ। अरे रजुआ, क्यों मार खिला रहा है बे? अभी सो जाओ, तुम्हें तो मैं सुबह में दिखाती हूँ। कितनी सड़ी हुई गंध है, क्या खाया था मेरा जुआ? सोने से पहले तो आपका ही दिमाग खाया था पापा, अब जैसा खाऊंगा वैसा ही निकलेगा ना। तू पादने से पहले वार्निंग नहीं दे सकता क्या? तब से चुपके चुपके पादे जा रहा है। पाद क्या कहकर आता है कि मैं आ रहा हूँ? अरे ये तो बस निकल जाता है। और क्या बोलूँ कि होशियार सावधान, हास्य सम्राट राजू महाराज पाद रहे हैं। तो तू जाकर हकता क्यों नहीं है बे? सारा दिन जब मुंह से अंदर ठूंसता रहता है तो सोने से पहले सारा मलिदा टॉयलेट में निकाल कर क्यों नहीं आता? तेरा पेट है या गोबर गैस की टंकी? ऐसे मारोगे तो फिर मैं यहीं भाग दूंगा। नहीं नहीं राजू, ऐसा मत करना, फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करो, तुम टॉयलेट चले जाओ और अच्छे से फ्रेश होकर आना, ठीक है? एक भोले भाले मासूम बच्चे को आप लोग इतनी ठंड में टॉयलेट भेज रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, सबका दिन आता है। कितने चैन से सो रही थी, दोनों बाप बेटे ने सोना हराम कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा ही बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा। अब ताने देना बंद करो, खाली मेरे अकेले का नहीं है। इतनी देर हो गई, ये रजुआ अभी तक आया नहीं, बाथरूम से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। जाकर देखो अपने बेटे को, क्या पता वहाँ भी कुछ कर रहा हो। तुम भी साथ में चलो ना, अब मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। कोई काम अकेले नहीं होता, चलो मेरे साथ। ये देखो बाबू साहब, आधे घंटे से संडास के ऊपर ऐसे बैठे हैं जैसे ये संडास ना हो, किसी राजा का राज सिंहासन हो। कुछ बोलते हो या फिर लगाओ थप्पड़। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कहीं ये कोई नया नौटंकी तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कहीं इसे ठंड ना लग गई हो। ठंड? हाँ हाँ हो सकता है, रुको अभी चेक करता हूँ। अरे हाँ, ये तो ठंड से अकड़ गया है। देखा, तुम हमेशा जैसी अपनी अकड़ दिखाते हो वैसे ही मेरा लाल अकड़ गया है। अरे अब तुम ताने मारना बंद करो और जाकर आग का इंतजाम करो, हीटर वीटर जलाओ, मैं इसे उठाकर लाता हूँ। ठीक है, इसे जल्दी लेकर आओ। अबे तू हंस रहा है? मुझे बाथरूम से पैदल आने का मन नहीं हो रहा था पापा, इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया। अब देखो आप मुझे अपनी गोद में उठाकर ला रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा तो तू नाटक कर रहा था, ये ले। आगे मैया, मेरी कमर।